ग्लीनिंग जो है वो G1, G2, G3 नहीं, वो एम रैकेट नंबर 1 पे और यहाँ पर है यंग फ्यूरी। हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू पवन स्पोर्ट्स टॉप एंड टू एन एक्साइटिंग न्यू वीडियो ऑन बैडमिंटन। दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आपका आज के इस वीडियो में। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे टॉप 5 बेस्ट बैडमिंटन रैकेट्स अंडर 2500 रुपीज़ की। और इससे पहले मैं वीडियो शुरू करूं, यहां आप लोगों से कुछ पूछना चाहता हूं, क्योंकि आप लोगों के कुछ मैसेजेस बीच बीच में कभी कभी आते रहते हैं कि सर इस तरह के जो वीडियोज़ हैं ये महीने में कम से कम एक या दो बनाएं, मतलब एक तो 2000 के अंडर की हो गई या 2500 के अंडर या 3000, 4000 या किसी भी तरह के जो हैं कॉम्बिनेशन बना के आप कम से कम एक से दो वीडियो महीने में ये बनाएं। तो दोस्तों आप लोग क्या सोचते हैं कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। और हमेशा की तरह आपको बता दूं कि आज के रैकेट भी जो हैं वो उनकी रैंकिंग भी पॉपुलैरिटी और सेल्स पे और सर्वे पे जो है बेस्ड होती है। कोई रैकेट किसी से कम नहीं है और हर महीने हर कुछ 15-20 दिन में ये जो लोगों की लाइकिंग है और पॉपुलैरिटी है रैकेट्स की वो जो है वो बदलती रहती है। तो चलिए दोस्तों बिना टाइम वेस्ट किए फटाफट से शुरू करते हैं और बात करते हैं रैकेट नंबर 5 की। और यहाँ पे है योनिक्स एयरस्ट्रोक 01 क्लियर। फटाफट स्पेसिफिकेशंस की बात कर लेते हैं। ग्रेफाइट से बना हुआ है ये रैकेट, फ्लेक्सिबिलिटी फ्लेक्सिबल, जो वेट है 83 ग्राम्स, 4U G4 कैटेगरी, G4 इसकी ग्रिप है, 675 मिलीमीटर्स इसकी लेंथ है, प्लस माइनस 2-3 मिलीमीटर्स, बैलेंस पॉइंट जो है वो 300 मिलीमीटर्स टूवर्ड्स द हेड, हेड हैवी है ये रैकेट। और मैक्सिमम स्ट्रिंग टेंशन जो है वो है 28 LVs और रैकेट मेड इन चाइना। तो योनिक्स एस्ट्रो सीरीज़ का जो बेंचमार्क है रोटेशनल जनरेटर सिस्टम, 7.1% इंक्रीज स्मैश अटैक, 2.3% स्टीपर एंगल, 28 LBs मैक्सिमम स्ट्रिंग टेंशन, तो ये सारी चीज़ें जो हैं इस रैकेट में है। लेकिन यहाँ पे दो एक चीज़ें जो हैं इस रैकेट की मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आती हैं। एक तो ये कि जब जब इस रैकेट से खेलो, जब जब इसकी बात आती है मुझे योनिक्स एस्ट्रोक्स 39 की याद आती है। तो जब मैंने उसे रिव्यू किया था तो 39 जो है वो थोड़ा ज़्यादा स्टिफर था, उसकी जो शाफ्ट थी स्टिफ थी। इसकी शाफ्ट थोड़ी स्लिम भी है और थोड़ी फ्लेक्सिबल है, जिससे क्या है कि आपकी ऑप्शंस थोड़ी ओपन हो जाती हैं, आप एक अच्छी पावर निकाल सकते हो। और कुछ लोग कभी कभी कंप्लेंट करते हैं 39 में कि बाजुओं में थोड़ा दर्द हो जाता है स्टिफनेस की वजह से, तो इसमें वो चीज़ नहीं है। दूसरी चीज़, 4U कैटेगरी का ये रैकेट है, सबसे एक्साइटिंग कैटेगरी है, प्रोफेशनल कैटेगरी है। किसी भी तरह की गेम हो, कोई भी तरह का प्लेयर हो, ये रैकेट हर एक को सूट करेगा। थर्ड लाइन की बात करें बहुत बढ़िया स्पेशल लगती है, मिडिल कोर्ट बहुत बढ़िया, नेट भी जो है नेट पे भी गेम जो है काफ़ी बैलेंस्ड है। तो ये रैकेट जो है एक ऑलराउंड रैकेट है, तो मेरे हिसाब से किसी भी तरह के आप प्लेयर हैं आपके लिए बहुत बढ़िया है। वहीं प्राइस की बात करें तो रैकेट की प्राइस 1900 व 2000 रुपीज़ से शुरू हो जाती है। परचेज लिंक्स मैं नीचे शेयर कर दूंगा। तो रैकेट नंबर 4 है योनिक्स एस्ट्रोक्स लाइट 27i। जी हाँ, ये रैकेट हाल फिलहाल में बहुत पॉपुलर रहा है और काफ़ी ज़्यादा सेल है। फटाफट स्पेसिफिकेशंस देख लेते हैं। HM ग्रेफाइट से बना हुआ है, फ्लेक्सिबल इसकी शाफ्ट है, वेट 78 ग्राम्स, कैटेगरी 5U G4, लेंथ 675 मिलीमीटर्स, बैलेंस पॉइंट जो है वो है 301 मिलीमीटर्स टूवर्ड्स द हेड, ट्रूली हेड हैवी है ये रैकेट। और मैक्सिमम स्ट्रिंग टेंशन जो है वो 30 LBs, मेड इन चाइना। तो एक और एस्ट्रोक्स सीरीज़ का रैकेट है, लेकिन यहाँ पे कुछ चीज़ें इसकी जो बेंचमार्क एस्ट्रोक्स की वो नहीं है। स्पेशली अगर मैं बात करूँ तो इसकी स्ट्रिंग टेंशन वो है मैक्सिमम 30 LBs। तो यहाँ पे योनिक्स ने थोड़ा अलग गेम खेला है और लीक से हट के थोड़ा सा रैकेट्स में स्ट्रिंग टेंशन इंक्रीज़ किया है, जिससे कि ड्यूरेबिलिटी बढ़ जाती है और आपकी स्ट्रिंग्स की स्कोप जो है वो बढ़ जाती है। एक और चीज़ जो इस रैकेट की है, अगर आप देखेंगे वेट में, ये वेट की बात करें तो ये रैकेट ऑलमोस्ट 4U कैटेगरी में चला जाता है। मतलब सिंगल्स हो, डबल्स हो, स्मैशेस हो, डिफेंस हो, नेट प्ले हो, बिल्कुल बहुत ही बढ़िया और बहुत ही परफेक्ट तरह से जो है इस रैकेट को आप यूज़ कर सकते हैं। वहीं इसकी शाफ्ट जो है वो भी स्लिम है, जिससे कि इसकी स्पीड जो है वो थोड़ी बढ़ जाती है। तो अगर हम बात करें कि किस तरह के प्लेयर्स इसको ऑप्ट कर सकते हैं, तो मेरे हिसाब से सिंगल डबल, मैंने इसका रिव्यू भी किया हुआ यहाँ पे आपको मिल जाएगा, तो वहाँ जाकर के आप लोग देख सकते हैं एग्जैक्टली किस तरह का जो है परफॉर्मेंस रहता है इस रैकेट का। तो रैकेट में काफ़ी अच्छी पावर है, थर्ड लाइन क्लियर बहुत अच्छा है, नेट भी बहुत बैलेंस्ड है, डिफेंसिव भी इसका बहुत अच्छा है। वहीं इस रैकेट की प्राइस की बात करें तो 1900 और 2000 रुपीज़ ऑनवर्ड्स ये रैकेट जो है शुरू हो जाता है ऑनलाइन और ऑफलाइन। तो दोस्तों वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा, क्योंकि अब की बार जो टॉप के दो रैकेट हैं वो पहली बार मेरी लिस्ट पर आए हैं, तो कुछ नया है
तो उसके लिए इंतज़ार कीजिएगा। लेकिन उससे पहले चलिए बात करते हैं रैकेट नंबर 3 की। रैकेट बना है हाई मॉडुलस ग्रेफाइट से, वहीं फ्लेक्सिबिलिटी जो है वो है मीडियम। वेट की बात करें तो 78 ग्राम्स, 5U G4 इसकी कैटेगरी है। लेंथ है 672 मिलीमीटर्स प्लस माइनस 2 मिलीमीटर्स। स्ट्रिंग टेंशन जो है वो 30 LBs। बैलेंस पॉइंट की बात करें तो 295 मिलीमीटर्स। हेडलाइट है ये रैकेट और मेड इन चाइना है। तो दोस्तों ये रैकेट काफ़ी पॉपुलर है और इसकी डायरेक्ट टक्कर थी, जी हाँ, नैनो रे 89 से। कई लोग कहते थे कि भी 89 जो है वो फ्लेक्सिबल बहुत ज़्यादा, तो इसकी फ्लेक्सिबिलिटी मीडियम है। तो हम जानते हैं कि आर्कशेप सीरीज़ जो है वो एक्यूरेसी के लिए भी काफ़ी पॉपुलर है। तो दोस्तों हेडलाइट है ये रैकेट, तो डेफिनेटली रैकेट जो है बहुत फास्ट है। नेट और डिफेंसिव प्लेयर की बात अगर हम करें तो ये रैकेट बहुत ही फास्ट है, और जो रिस्टी प्लेयर्स हैं उनके लिए थर्ड लाइन क्लियर और स्मैशेस जो हैं, और आप कभी भी देखेंगे जो खेलते हो तो बहुत ही अच्छी, बहुत ही एक्यूरेट जाती है, और जो एंगल आपको एक मिलता है पीछे से नेट के बिल्कुल पास से शटल जाते हुए, वो आपको इस रैकेट से बहुत अच्छा मिलता है। तो यहाँ पे लेकिन मैं ये कहूँगा कि ये रैकेट मेरे हिसाब से मैं रेकमेंड करूँगा कि ज़्यादातर इसका झुकाव थोड़ा डबल्स की तरफ है, सिंगल्स प्लेयर्स को अवॉइड कर सकते हैं। और आप बहुत ही ज़्यादा रिस्टी प्लेयर हैं और अपना आर्म जो है और पावर एफर्ट जो है वो अच्छे से रिस्ट पर ट्रांसफ़र करते हैं, तो आप सिंगल्स के लिए रैकेट ले सकते हैं। बट मेरी सलाह रहेगी, हाई रिपल्शन स्ट्रिंग लेंगे तो आपको थोड़ा और आराम रहेगा, क्योंकि हेडलाइट है ये रैकेट। तो दोस्तों बारी है रैकेट नंबर 2 की, और यहाँ पे एक ऐसा रैकेट है जो मेरी लिस्ट पे नया है। वैसे तो रैकेट पुराना हो गया, काफ़ी पॉपुलर भी हो गया है, और अचानक से इसने काफ़ी सेल पकड़ी है, और यंग कंपनी का ये रैकेट है, और रैकेट का नाम है यंग फ्यूरी एक्स ब्लेड। तो रैकेट जो है वो फुल ग्रेफाइट है, मीडियम फ्लेक्सिबल है, 77 ग्राम्स है, 5U कैटेगरी है, 5U G4 इसकी जो कैटेगरी है। और बात करें अगर हम इसकी लेंथ की तो 675 मिलीमीटर्स प्लस माइनस 2-3 मिलीमीटर्स। स्ट्रिंग टेंशन लिमिट जो है वो 30 LBs है, और वहीं जो इसका बैलेंस पॉइंट है वो है 295 मिलीमीटर्स। हेडलाइट और रैकेट है मेड इन चाइना। तो ये फाइंड आउट किया मैंने कि यंग के रैकेट्स के में जो फ्रेम और जो आपका शाफ्ट होता है उसके बीच में जो टी जॉइंट है वो टी जॉइंट नहीं होता है इसके अंदर। सिंगल पीस तो सभी रैकेट होते हैं, लेकिन इसमें टी जॉइंट जो है वो नहीं होता, और इसके बावजूद इसकी रिस्ट्रेशन स्पीड और इलास्टिसिटी, पावर फ्रेम, और ये जो कॉम्बिनेशन है जो बहुत ही अच्छा है, जिससे कि रैकेट की ड्यूरेबिलिटी भी मेंटेन रहती है, उसमें आपको कोई कमी नहीं मिलती। और स्पेशली जो मिड कोर्ट में अगर मैं आपको बताऊँ, रिस्पॉन्सेज बहुत ही अच्छे, रैकेट बहुत ही जल्दी अपनी पोजीशन पे आ जाता है। तो वहीं अगर आप रिस्टी प्लेयर हैं तो आप थर्ड लाइन से जो है वो भी बहुत अच्छी स्मैशेज आप जो है थर्ड लाइन से थर्ड लाइन आप अच्छी मार सकते हैं। हालांकि नेट के आसपास और डिफेंस की बात करें अगर मिडिल कोर्ट की, तो रैकेट जो है बहुत ही अच्छा है। लेकिन वहीं मैं कहना चाहूँगा कि मेरे हिसाब से मेरा झुकाव थोड़ा डबल्स की तरफ ज़्यादा है इस रैकेट को लेकर के। और बात करें रैकेट की प्राइस की तो 1900 रुपीस ऑनवर्ड से रैकेट शुरू हो जाता है। तो आ गए हैं हम रैकेट नंबर 1 पे, और यहाँ पर है, तो चलिए पहले फटाफट से बात कर लेते हैं इसकी स्पेसिफिकेशंस को, फिर डिटेल में इस रैकेट की बात करेंगे। रैकेट बना हुआ है हाई मॉडुलस ग्रेफाइट से, फ्लेक्सिबिलिटी मिड फ्लेक्स है, वेट है 77 ग्राम्स, 5U S1, जी हाँ। तो रैकेट की लेंथ है 672 मिलीमीटर्स प्लस माइनस 2 मिलीमीटर्स, मैक्सिमम स्ट्रिंग टेंशन है 30 LBs, और इसका बैलेंस पॉइंट जो सबसे एक्साइटिंग वो है 305 मिलीमीटर्स टूवर्ड्स द हेड। हेड हैवी है ये रैकेट, और अगर मेक की बात करें तो मेड इन चाइना। तो बात करें परफॉर्मेंस की और किस तरह के प्लेयर्स को सूट करेगा, तो देखिए 305 मिलीमीटर्स इसकी बैलेंस पॉइंट है टुवर्ड्स द हेड, ट्रूली हेड हैवी। वहीं आपकी ग्रिप बहुत अच्छी है, इसका मतलब यह कि आपको बहुत अच्छी पावर मिल जाती है, स्मैशेस में बहुत अच्छी पावर मिलती है। अगर ग्रिप थोड़ी थिन हो तो बहुत अच्छे से जो वेट है आप ट्रांसफ़र कर पाते हैं हेड पे। तो मुझे तीनों सेक्शन में अगर हम बात करें, बैक ऑफ द कोर्ट, मिडिल कोर्ट, और क्योंकि 5U कैटेगरी का रैकेट है, 77 ग्राम्स है, तो नेट के आसपास भी इसका बैलेंस बहुत ही अच्छा है। तो मेरे हिसाब से आप सिंगल हो या डबल हो, ये रैकेट बहुत ही अच्छा है। सिंगल्स में भी आप बहुत अच्छा पावर और बहुत अच्छी प्लेसमेंट और एक्यूरेसी जो है आप इसमें जनरेट कर पाते हैं। तो दोस्तों ये तो थी मेरी लिस्ट, और मैं जानता हूँ बहुत सारे लोग जो हैं वो अग्री करेंगे, बहुत सारे लोग डिसअग्री करेंगे। कोई भी आपके व्यूज़ हैं उन्हें कमेंट्स में लिखिए, मैं जवाब दूंगा। और तब तक अच्छी अच्छी सेहत रखिए, अच्छी अच्छी वीडियोस देखिए, सुरक्षित रहिए, एंड हैव अ ग्रेट डे।